दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अभी अभी हमने अपना 77वां आज़ादी का दिवस इंडिपेंडेंस डे मनाया और इस मौके पर काफ़ी जश्न भी रहा और कुछ हलकों में एक थोड़ी सी चिंता भी आई। चिंता इसलिए आई कि एक तरफ तो कुछ लोग बात कर रहे हैं कि भारतीय संविधान ये विदेशी मूल्यों पर बना है, ये कॉलोनियल लेगेसी है, यानी ये जो अंग्रेज लोग थे उनके ये एक उत्तराधिकार का प्रतीक है। जैसे नए पार्लियामेंट के उद्घाटन के मौके पर कहा गया था कि पुरानी पार्लियामेंट ये ब्रिटिश वसीयत की निशानी है और उसको छोड़कर नई पार्लियामेंट बनाई जाए, उसी प्रकार से अब भारतीय संविधान पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। और इसकी शुरुआत जो की वो प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक देवरॉय ने अपने एक लेख मिंट नाम का जो बहुत प्रतिष्ठित अखबार है, हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप का इकोनॉमिक आर्थिक अधिकार अखबार है, उसमें उन्होंने लेख लिखा और उन्होंने उसमें कहा कि हमें एक नए संविधान की ज़रूरत है। उनके हिसाब से ये जो संविधान है ये ब्रिटिश उपनिवेशवाद की निशानी है। ये जो संविधान है ये 1935 में जो ब्रिटिश ने भारत के लिए कानून बनाए थे 1935, उसके आधार पे बना हुआ है। इसलिए और इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हो चुके हैं और इसके बेसिक स्ट्रक्चर, इसके मूलभूत ढांचे को बदला नहीं जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। इसलिए इसको बदल कर 2047 के लिए एक नए संविधान की तैयारी करना चाहिए। उनका ये उद्देश्य है कि ये संविधान में जो मूल्य हैं, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, लोकतंत्र और बाकी सब लोगों की जो यहाँ हमारे प्रीएम्बल में जो मूल्य हैं, जो गरीब लोगों के बारे में उत्थान की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, वैज्ञानिक सोच की बात करते हैं, उनके हिसाब से ये सब ब्रिटिश कॉलोनियल लेगेसी है। अब यहाँ मैं एक बात स्पष्ट कर दूँ कि जब से हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीति मजबूत हुई है, जब से हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीति मजबूत हुई है, तब से इस प्रकार के जो तर्क हैं या कुतर्क हैं उनको सामने रखने की कोशिश पहले से ज़्यादा होती रही है। मैं आपको ये भी बता दूँ कि जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ था तो उस समय उसके आसपास जो आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में एक लेख था, ऑर्गेनाइजर ये आरएसएस का अनऑफिशियल मुखपत्र है, और उसमें एक लेख आया था कि ये जो तिरंगा है ये हमारे भारत का प्रतीक नहीं हो सकता, ये हिंदुओं का प्रतीक नहीं हो सकता, इसमें तीन रंग हैं जो हिंदू धर्म के अनुसार अशुभ हैं और ये भारत का हिंदू धर्म का तो प्रतीक केवल भगवा झंडा ही हो सकता है। उन्होंने इस आज़ादी का स्वागत नहीं किया क्योंकि खैर ये बात और है कि दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग, वो मुस्लिम लीग के लोग हो या हिंदू महासभा आरएसएस के लोग हो, ये हमेशा आज़ादी के आंदोलन से दूर रहे और उन्होंने इस बात पे जोर दिया ये जो आज़ादी हुई है ये उनके लिए कोई खुशी की बात नहीं है। और उस समय आरएसएस ने भी इसका कोई जश्न नहीं मनाया, तिरंगे झंडे को भी नहीं अपनाया संविधान की को जीत कर आलोचना का मुख्य आधार था कि इसमें हमारे जो सदियों पुराने मनुस्मृति के मूल्य हैं वो मनुस्मृति के मूल्यों को इसमें किसी प्रकार की जगह नहीं है और ये उनके आलोचना का एक मुख्य आधार था। अब सवाल ये उठता है क्या हम इस प्रकार से इनकी बातों को गहराई से ले सकते हैं, क्योंकि आज़ादी का आंदोलन पूरे भारत के हर एक धर्म, हर एक जाति के लोगों के मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता था। भारत का संविधान ये करीब 3 साल के मेहनत के बाद, जिसमें भारत के सभी क्षेत्रों के सभी प्रकार के प्रतिनिधि थे, उनकी गहरी चर्चा के बाद बनाया गया था और इसको डॉक्टर अम्बेडकर ने, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्होंने लिपिबद्ध किया था। अब इसको ये कहना कि ये ब्रिटिश कॉलोनियल लेगेसी है, अंग्रेज़ों की गुलामी का प्रतीक है, ये एक बहुत ही अजीब कुतर्क तर्क नहीं है, ये कुतर्क दिया जाता है।
हमारे संविधान में क्या है। दूसरा उनका तर्क यह है कि भाई इसमें बहुत सारे संशोधन हुए हैं, इसलिए वो संविधान नहीं रहा जो जिस संविधान से हमने शुरुआत की। तो खैर, संविधान में संशोधन तो होते हैं, पर इसके मूलभूत ढांचे पर कोई आघात नहीं हुआ है। इसलिए संविधान तो वही है, उसमें कुछ परिवर्तन जो अमेंडमेंट लाए गए हैं। अमेंडमेंट तो सुपरफिशियल आधार पे होते हैं, ये कोई गहरे आधार पे नहीं होते हैं। तो ये इस बात को हमें ख्याल रखना चाहिए कि अब इस प्रकार की मांग क्यों आ रही है। इस संविधान के बदले एक नवीन संविधान की जरूरत है। उसके पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि आज कल या पर 15 अगस्त को ये मिंट में आर्टिकल आया था, और आज अखबारों में खबर है कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो प्राइम मिनिस्टर की है, उनको सलाहकार देती है, उन्होंने कहा डॉक्टर विवेक देवराय के जो का जो लेख है, उनकी जो राय है, उनकी निजी ओपिनियन है, इनका प्रधानमंत्री के मूल्यों से, प्रधानमंत्री की राय से, प्रधानमंत्री के ऑफिस की राय से मेल खाना जरूरी नहीं है। अब मुझे लगता है ये तो कहने की बात है, जब डॉक्टर विवेक देवराय खुद उस काउंसिल के अध्यक्ष हैं, वो इस बात को कह रहे हैं, मतलब वो एक टेस्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमने इस प्रकार की बात कही तो इसका क्या परिणाम होगा और लोग उसको किस प्रकार से लेंगे। तो यहाँ ये बात भी मैं कह दूं कि जहाँ भी धर्म के नाम का राष्ट्रवाद आता है, वो इस प्रकार के मूल्यों का जो हमारे संविधान में है, स्वतंत्रता के, समता के, बंधुत्व के, न्याय के, वो इन मूल्यों के खिलाफ होता है। इन मूल्यों के खिलाफ क्यों होता है? क्योंकि जो संकीर्ण राष्ट्रवाद होता है वो सवर्ण संभ्रांत वर्ग के लोगों को लेकर चलना चाहता है, वो अल्पसंख्यकों को राष्ट्रवाद की परिसीमा से, राष्ट्रवाद की परिधि से बाहर निकालना चाहता है, वो यहाँ के दबे कुचले लोगों को, दलितों को, ओबीसी को, आदिवासियों को दुय्यम दर्जे पर रखना चाहता है और स्त्रियों को भी दुय्यम दर्जे पर लाने की कोशिश करता है। ये संकीर्ण राष्ट्रवाद का तरीका होता है। और मैं केवल भारत की बात ही नहीं कर रहा, मैं आपको याद दिला दूं कि वेस्ट मध्य एशिया में इजिप्ट और कई अरेबियन कंट्रीज में एक संगठन है, उसका नाम है मुस्लिम ब्रदरहुड। मुस्लिम ब्रदरहुड ये इस्लाम के नाम पर पुराने मूल्यों को समाज में लादना चाहता है, और वो भी ये कहता है कि ये जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के मूल्य हैं, ये पाश्चात्य मूल्य हैं, और इन मूल्यों पर जाना ये पाश्चात्य वेस्टर्न कंट्रीज का अंधानुकरण है, उनका ब्लाइंड फॉलोइंग है। तो जहाँ तक ये देखा जाए कि इस्लाम धर्म के नाम की राजनीति हो या हिंदू धर्म के नाम की राजनीति हो, उनको स्वतंत्रता, समता, बंधुता के मूल्यों से बहुत विरोध है, और वो विरोध इसलिए है कि ये मूल्य आधुनिक लोकतंत्र से मैच करते हैं, आधुनिक समाज से मैच करते हैं, आधुनिक समय के अनुसार है, आधुनिक परिस्थितियों के अनुसार है। जबकि संकीर्ण राष्ट्रवाद इस्लाम के नाम पे हो, क्रिश्चियन धर्म के नाम पे हो, बुद्ध धर्म के नाम पे हो या हिंदू धर्म के नाम पे हो, ये सामंती मूल्यों को समाज में लादना चाहता है। और सामंती मूल्य ये जन्मजात ऊंच नीच में विश्वास रखते हैं, तानाशाही में विश्वास रखते हैं, और उन मूल्यों को प्रोत्साहित करने के लिए संविधान के खिलाफ उंगलियां उठाते रहते हैं। ये आज की बात नहीं है। जैसे मैंने कहा कि 15 अगस्त को जब भारत आजाद हुआ तो उन्होंने तिरंगे झंडे पर आक्षेप लिया, बाद में जब भारत का संविधान लागू हुआ तब उसके बाद भी इन्होंने इसकी गहरी आलोचना की, आरएसएस ने भी आलोचना की कि इसमें तो मनुस्मृति के महान सिद्धांतों का कोई उल्लेख नहीं है, और सावरकर ने उस समय कहा नए संविधान की क्या जरूरत है, हमारे पास तो ऑलरेडी एक बेहतरीन संविधान है जिसका नाम मनुस्मृति है, और मनुस्मृति ही आज के समय का संविधान है। अब इसके बाद भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लीडर बीच बीच में इस बात पे कहते रहे थे कि भारतीय संविधान को हम हटाएंगे, पर ऑफिशियल रूप से ये उन्होंने इस बात को कभी नहीं कहा ऑफिशियल। जैसे अभी भी ये डॉक्टर विवेक देव रॉय का ये निजी ओपिनियन मान के चला जा रहा है, पर मेरे ख्याल से ये निजी ओपिनियन नहीं है, निजी राय नहीं है, ये सत्ता पक्ष के
विचारों को प्रतिनिधित्व करने वाली बात है। और इसके लिए मुझे एक और बात याद आती है जो सन 2000 की है। सन 2000 में आरएसएस के सरसंघ चालक के सुदर्शन ने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा था कि भारतीय संविधान विदेशी मूल्यों पर बना है, इसको फेंक दिया जाना चाहिए और एक ऐसा संविधान लाना चाहिए जो भारतीय धर्म ग्रंथों के आधार पर बना हो। और पिछले कुछ सालों से, करीब 2-3 सालों से, जब से इनके बुद्धिजीवी, तथाकथित बुद्धिजीवी सामने आ रहे हैं, वो इस बात पे जोर दे रहे हैं कि भारत की सांस्कृतिकता के मूल्य हमारे संविधान के मूल्यों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत की सांस्कृतिकता क्या है? उनके हिसाब से भारत की सांस्कृतिकता ये ब्राह्मणवादी मूल्यों में है, मनुवादी मूल्यों में है। तो एक तरफ से तो वो अपने लेखों के माध्यम से, किताबों के माध्यम से इस बात को प्रचारित कर रहे हैं कि भारतीय संविधान से ज्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ की ब्राह्मणवादी संस्कृति, मनुवादी विचार। और अभी जो डॉक्टर विवेक देव राय कह रहे हैं वो उसी की एक परिणति मात्र है, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि इसके बेसिक स्ट्रक्चर, मूलभूत ढांचे को हम बदल नहीं सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसकी इजाजत नहीं देता। तो फिर क्यों नाम नया संविधान ले आए 2047 तक एक नया संविधान ले जाए जिसमें ये जो पूरे शब्द हैं समाजवाद, लोकतंत्र, बहुलता, प्लूरलिज्म, इक्वालिटी, इन सब को हम बदल कर एक ऐसा संविधान ला सके जो आज की यहाँ के औद्योगिकीकरण, निजीकरण, न्यू लिबरल इकोनॉमी और संकीर्ण राष्ट्रवाद से मेल खाता हो। तो मुख्य रूप से इन लोगों का जो तर्क है वो तर्क इस आधार पे है कि जब से भारतीय राष्ट्रवाद जो सभी धर्मों को बराबर का स्थान देता है, भारतीय राष्ट्रवाद जो स्त्री और पुरुष को बराबर का स्थान देता है, भारतीय राष्ट्रवाद जो एक एफर्मेटिव एक्शन, सकारात्मक कार्यक्रम में विश्वास रखता है, जहाँ दलितों को और स्त्रियों को भी बराबरी का दर्जा मिले, उसके खिलाफ जो मनुस्मृति के मूल्य हैं या जो पुराने धर्म ग्रंथों के मूल्य हैं उनको ये पुनर्प्रस्थापित करना चाहता है, समाज में फिर से लाना चाहता है। तो ये एक खतरे की घंटी है कि अगर इसी प्रकार सत्ता चलती रही तो हमारे संविधान, जो हमारा एक बहुत मजबूत आधार है समाज की प्रगति का, उस पर छींटा कशी हो रही है, उसके बदले नया संविधान बनाने की बात हो रही है। और ये केवल इसी लेख के माध्यम से, पहले भी अलग अलग प्रकार से इन बातों को किया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग इसको एक खतरे की घंटी लेंगे और जो राजनीति इन चीज़ों को प्रेरित कर रही है उस राजनीति को पूरी तरह से दरकिनार करके एक ऐसी राजनीति को प्रस्थापित करें जो सबको बराबरी का स्थान दे, जो भारतीय संविधान को एक महान पुस्तक, महान सिद्धांत, जो आज़ादी के आंदोलन की उपलब्धि है उसको लेकर आगे चले। ऐसी राजनीति की हमें जरूरत है, बदलाव तो चाहिए पर ऐसी राजनीति को हमको रखना है जो भारतीय संविधान को अपना आधार बना के समाज में बराबरी लाने की कोशिश करे। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम डॉक्टर विवेक देव राय के इस लेख से इसको एक वार्निंग सिग्नल, एक खतरे की घंटी लेकर देखें और इस प्रकार के विचारों को पूरी तरह से विरोध करके ऐसी बातों को ले आए जो आज़ादी के आंदोलन से निकली थी, जिसमें भगत सिंह के मूल्य हों, अम्बेडकर के मूल्य हों, गांधी के मूल्य हों, सुभाष चंद्र बोस के मूल्य हों, सरदार पटेल के मूल्य हों और जवाहरलाल नेहरू के मूल्य हों, उसी के साथ साथ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भी हम भूल नहीं सकते। तो मित्रों, इस खतरे की घड़ी में हमें इस प्रकार के विचार न केवल शाब्दिक विरोध करना है और जमीनी धरातल पर भी इन विचारों को विरोध करके हमारे आज़ादी के आंदोलन के मूल्यों को प्रस्थापित करना है, मजबूत करना है। और ये एक जन आंदोलन के माध्यम से हो सकता है, जन चेतना को विस्तार करके हो सकता है और वही हमारा रास्ता होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये विचार ठीक लगेंगे। आप अगर ये विचार आपको ठीक लगते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और हमारे चैनल को ज
जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत धन्यवाद।